हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र के बिसरापुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद राहुल कस्वानी नागरिकों को केंद्र सरकार की योजनाओं की तमाम जानकारियां दी। सांसद राहुल कस्वानी केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में किसानों को जानकारी देते हुए फसल में ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का प्रयोग और कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग कर कीटनाशक रहित अन्य उत्पादन को बढ़ावा देकर आमजन को बीमारियों से बचाने की अपील की है। वहीं उन्होंने किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल से जल योजना, आयुष्मान कार्ड योजना की जानकारी भी दी है। साथ ही सांसद राहुल कस्बा ने सभी को विकसित भारत की शपथ दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए सभी को सहयोग करने की अपील की है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारीक की रिपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया एक योजना भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली हुई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली दफा एक नवाचार करते हुए गांव के अंदर जो भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजना चल रही है उन योजनाओं का लाभ किस गांव के लोगों तक पहुंचे, इसको मकसद से ये प्रोग्राम चला हुआ है। 25 जनवरी तक प्रोग्राम चलेगा। हम सभी गाँव के युवाओं को इसके लिए बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि MY भारत पोर्टल जो हमारा चला हुआ है, माई भारत पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वॉलंटियर के रूप में गांव के लोगों को 100% हर स्कीम के अंदर शामिल करने का प्रावधान करें। आज हमारी ग्राम पंचायत बिसरा सर में विकसित भारत संकल्प योजना का शिविर रहा, उसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और सभी के बढ़िया तरीके से काम हुए। सांसद महोदय राहुल जी कस्वा आए, पूर्व विधायक श्री अभिषेक जी मटोरिया आए, प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल जी सियाग आए और अन्य कई जनप्रतिनिधि कर्मचारीगण लगभग आए। सभी का काम